सब गाइस आपका स्वागत है भाई मेरे टैग गेमिंग के चैनल में। आज भाई मेरा सपना पूरा हो जाए भाई। सपने तो भाई मेरे बहुत सारे हैं, पर एक छोटा सा सपना है भाई एक पीसी बिल्ड करने का। आज भाई पूरा होने आया। 1 तारीख को आएगा भाई मेरा पीसी, उसकी भाई वीडियो जरूर देखना। चलिए भाई उस बिना देरी के भाई मेरे वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहले उससे पहले मैं चलता आपका मोबाइल स्क्रीन। तो भाई हम आ चुके हैं भाई अपने सेल फोन की स्क्रीन पर। और भाई आपको तो पता ही है भाई दिवाली आने वाली, उसका भाई सेल भी चल रहा है भाई अमेजोन का। जरे भाई बिना देरी के भाई अमेजोन से सामान वाना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ भाई मेरे पास मैंने सब कुछ पहले ले चुका है, पर मैं तो भाई कुछ सामान अमेजोन से मंगाऊँ कुछ मतलब स्टोर से मंगाऊंगा। सबसे पहले आती है भाई रेम, अपनी RGB रेम है ये, 3200 MHz तक ये जा सकती है भाई, ये 8 GB रेम है। मैं ऐसे भाई दो मंगाऊंगा, ऐसी भाई दो रैम मंगाऊंगा ताकि मैं मेरी सीपीयू की मतलब पीसी के थोड़ी लुक भी आए भाई। ये आ गई तो रैम की बात, अब आती है ग्राफिक्स करने की। इसमें मैं कर रहा हूँ भाई असूस का भाई, ये है भाई असूस का ग्राफिक्स कार्ड, ये है भाई RGB RX 5070 यानी कि 570। ये रहा भाई इसका ग्राफिक्स कार्ड, 2 फैन का है, 8 GB है ये। और क्या कूलन तो भाई बहुत ही अच्छी है और सस्ता भी, इतना सस्ता नहीं है। अब DI भी इसमें भाई दो दो दिए हैं। और क्या चाहिए भाई आपको? अब बात ये है मॉनिटर की, इसमें मॉनिटर यूज कर रहा हूँ मैं HP कंपनी का भाई, 21 इंच का ये मॉनिटर है मेरे पास, ये इसको मैं लूंगा। ये है भाई अपना 9930। अब बात है भाई कूलिंग, कूलिंग के लिए मैं ले रहा हूँ भाई ये कूलिंग कूलर, जी भाई डीप कूलर है ये भाई, अपन को बोलता है 4600 वोल्ट महंगा। और मैं SSD में ले रहा हूँ भाई, 2 TB की SSD है भाई, पर भाई आपको 5000 की। और भाई मैं कैबिनेट में कर रहा हूँ NZXT H510 मॉडल टूर, इसको एक कैबिनेट कर रहा हूँ मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये करिए तो भाई अब तो सभी लेने लगे, ये कैसा फायदा है आपको, आप लेना चाहो तो भाई इसी को ही लेना। अब कीबोर्ड में कर रहा हूँ मैं गेमिंग कीबोर्ड, बैटरी चल रही है मात्र 1300 का है ये कीबोर्ड। इसके साथ में आपको भाई RGB लाइटिंग, RGB माउस, सब कुछ मतलब इसमें आपको मजा ही आ जाएगा भाई। USB इसके केबल है, और क्या चाहिए भाई अपन लोगों को। अब बात ये रैम हो गया, ये तो मैंने बस टेस्टिंग। अब आता मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में कराऊँ GDK B450 Elder मदरबोर्ड, ये रहा भाई आरूस कंपनी का B450 Ultra मदरबोर्ड। ये इसमें आपको 4 RAM स्लॉट और ग्राफिक्स कार्ड के लिए भी जगह दी गई है, पर इसमें आयरन की नहीं है, यही तो दिक्कत है, आयरन की शायद नहीं है, इसमें आयरन की नहीं है कोई नहीं, पर इसमें सोने या दूसरी चीज के लिए। ये रहा भाई अपना ग्राफिक्स कार्ड का मदरबोर्ड तो हो गया। तो मदरबोर्ड होने के बाद भाई पावर सप्लाई, पावर सप्लाई में कलम भाई व्यूअर का CV550 का, ये भाई अपना बढ़ता है 349 रुपीज का। और भाई इंटेल का भाई मेरे नाम i5 10th जनरेशन, ये आपको भाई 16,000 रुपए का मतलब 16,000 का तो पड़ ही जाएगा ये आपको भाई। सब कुछ तो हो ही गया, और क्या चाहिए भाई आप लोगों को। और भाई SSD तो रहेगी मैं सैमसंग की 970 EV के 500 GB की, वो SSD ले रहा हूँ, वो पड़ती है भाई अपन को 9,250 रुपए की। बस भाई ये सब चीजें थी जो मैं ले रहा हूँ। और भाई दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय। और रुको भाई, उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इस वीडियो पे एम रखता हूँ मात्र भाई 100 लाइक के लिए, क्योंकि भाई मेरा नया चैनल है, इतनी तो आप कर ही सकते हो। चलिए भाई दोस्तों के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।